वास्तविकता में ऐसा ही होता है। क्या कोई परिस्थितियां, कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकते हैं? उत्तर है हाँ भी और ना। कैसे? आपने तितली को देखा होगा, आपने एक मक्खी को भी देखा होगा। प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं रसपान करने का, लेकिन एक तितली जो फूलों पर जाकर उसका रस लेती है और इस अवस्था में नए फूल खेलने की व्यवस्था भी करती है, और मक्खी घाव पर बैठती, घाव को सराती और रोग भी फैलाती। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच। यदि आप उचित मार्ग चुनेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगा, आप में उत्साह बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्ग चुनेंगे तो आपको असफलता मिलेगी, निराशा मिलेगी। अब उचित मार्ग चुनना या अनुचित मार्ग, ये निर्णय तो आप पर निर्भर करता है। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव। इस प्रकार गिद्धों को वह खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वो सोचने लगे, अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहां से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा वृद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वो सोचता कि यहां के आरामदायक जीवन इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा, क्या यह वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे। यहां इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो यह कैसे उसका मुकाबला करेंगे। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े कितने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए, सबसे बड़ा में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए। मेरे विचार से हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए। यहां हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू के आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आराम के आदि हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हैं। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे, मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े कितने टापू पर गए, गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों के लाशें पड़ी हुई थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, यह क्या हो गया, तुम लोगों की हालत कैसी हो। घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज ने यहाँ जीते छोड़ दिए। शुरू में तो उन चीजों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आवाज हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं, हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते, ना ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने एक एक करके मारकर खाना शुरू कर दी। उनके ही कारण हमारा ये हाल, शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला है। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है?
अक्सर हम कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर अपना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो जाए। खुद को हमेशा चुनौती देते रहे और मुसीबत के लिए तैयार है। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।